हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है स्कोडा सुपर्ब, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सामने। सो यहाँ पे बेसिकली देखिए, अभी ये जो स्कोडा सुपर्ब है, ये 4 से 5 महीने से पार्किंग में ऐसे ही खड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये जो धूल है उससे आपको एक रफ आइडिया आ चुका होगा कि कार जो है वो कितने दिन से ऐसे ही खड़ी है। एक दो बार बीच में वॉश भी की थी और फिर बाद में फिर से धूल से भर गई। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए अनलॉक तो हो चुकी है। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले कि क्या ये कार जो है ये ऑन होने वाली है या नहीं। इंटीरियर एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए नीट एंड क्लीन व्हीकल है। अभी मैं एक बार कार के अंदर बैठता हूँ, इग्निशन देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं कार ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए कार ऑन हो चुकी है, और उसके बाद में जो ये मिरर्स है वो भी बाहर आ चुके हैं। DSG गेयरबॉक्स के साथ आती है ये कार। और यहाँ पे अभी मैं ब्रेक प्रेस करके कार जो है वो ऑन करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, बैटरी डाउन हो चुकी है। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। एक बार अभी फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ये देखो इंडिकेटर लग गया गाड़ी के। नहीं, रेस देखिए कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बैटरी पकड़ ही नहीं रही गाड़ी। एक बार देखते हैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है क्या। यहाँ पे मैं एक बार ब्रेक प्रेस करता हूँ। हाँ, ज़्यादा छेड़छाड़ करने को जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो अभी गाइस हम लोग क्या करते हैं, एक बार बोनट ओपन करने की कोशिश करते हैं। बोनट का कहाँ पे है? बोनट का जो है वो वहाँ पे मेरे कार में एक्चुअली यहाँ पे था। सो अभी एक बार बोनट ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कभी भी एक बार है ना, आप जब बहुत दिन के बाद कार ओपन करते हो तो ये ऐसा एक बार कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो चूहे रहते हैं, अगर कभी चूहे रहते तो चूहे इसके नीचे इसके पीछे रहते हैं, यानी कि ये मेटल और ये जो है आपको कपड़ा दिख रहा है उसके बीच में रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बाद में कूलेंट लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। कूलेंट लेवल है ओके, थोड़ा टॉप अप करने की ज़रूरत है। सो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कार है इसके लिए अभी मेरे पास तो ऑलरेडी जो कार है वहाँ पे देखिए हमारी कार है, लाई है वेंटो। सो अभी इसके लिए हम लोग जो वो क्रोकोडाइल पिंस मिलते हैं वो पिंस लेके आते हैं और कार को लगाने की कोशिश करते हैं। वो लगाने के बाद में कार ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग बैटरी लेके आए हैं मार्केट से, और यहाँ पे हम लोग जंप स्टार्ट करके करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये जंप स्टार्ट के लिए जो पिंस लगती है वो लेके आए। सो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अभी पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है और यहाँ पे अभी ये नेगेटिव टर्मिनल लगा रहे हैं। देखो चालू करो। ओके,
यहाँ पे मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ अभी, ये देखिए अभी मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए ऑन हो चुकी है, एक सेकेंड में। हॉर्न भी काम कर रहा है और यहाँ पे अभी कुछ व्हाइट स्मोक निकल रही है का, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। नहीं है, ये इंजन नॉइस आप सुन सकते हो अभी। यहाँ पे कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कार का छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और जब टेस्ट ड्राइव लेते वक्त भी मैं आप लोगों के साथ जो फीडबैक है वो शेयर करता हूँ। और गाइस अभी ड्राइव करते हैं हम लोग ये कार। थोड़ा सुपर एक बार सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। ऑटोमेटिक कार का यही एक बेनिफिट है कि उसको एक ही हाथ से ड्राइव किया जाता है। ब्रेक जो है वो थोड़े से, चेक इंजन लाइट लग गया है यहाँ पे, एक बार कार जो है वो स्कैन करके देखनी पड़ेगी। एयरबैग चेक का लाइट लग गया, एयरबैग का लाइट है वो, एयरबैग सर्विस का लाइट लग गया। एयरबैग कुछ तो भी मतलब नहीं, उसको एयरबैग को सर्विस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे अभी मैसेज आया था एयरबैग सर्विस, यानी कि शायद से कुछ तो लूज कनेक्शन या वायरिंग चेक करना पड़ेगा उसका। टेम्परेचर 20, एसी भी अच्छा काम कर रहा है, स्पीड वार्निंग दे रही कार, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, सॉरी अभी मैं एक बार एक्सेलरेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाप रे भाई, ये तो रॉकेट है। हाँ मैं जस्ट देख रहा हूँ गियर शिफ्टिंग कर रही है कि नहीं बराबर। हाँ बस ब्रेक जो है ना कम है क्या, ब्रेक कम लग रहे हैं।
स्ट्रेट जान दो। रास्ता अच्छा है स्ट्रेट। ठीक है। अरे हाँ, लंबा लंबा हो जाएगा। हाँ, नहीं ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए। ट्रैफिक इधर से ही नहीं। अच्छा। और ये DSG किकिंग करते हुए ब्रेक सिर्फ देखना पड़ेगा। ब्रेक छोड़ दो। हाँ नहीं वो तो है। ये आर्मी वाले तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ कि ये कार का एक और छोटा सा रफ टेस्ट ड्राइव लेता हूँ। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो फिर मैं उसका भी वीडियो शूट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और फाइनल फीडबैक जो है, एक जो स्कोडा सुपर है, अगर आप भी 4 या 5 महीने के बाद ऑन करते हो तो क्या दिक्कतें आती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे देखिए, ये जो कार है वो हम ड्राइव कर रहे हैं अराउंड आधे घंटे से, और जो कार है वो बहुत ही मक्खन चल रही है। सिर्फ अभी कल जो कार है उसे स्कैन करने के लिए हम एक जगह पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एयरबैग का लाइट लग चुका है और उसके बाद में चेक इंजन का भी लाइट लग चुका है। शायद से एयरबैग का लाइट लगा है उसकी वजह से ही चेक इंजन का लाइट लगा है, क्योंकि क्या होता है कि कार के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फंक्शन अगर माल फंक्शन होता है तो फिर तुरंत चेक इंजन का लाइट लग जाता है। तो फिर कोई भी हो तो मेरे ख्याल से वो वही होगा। और यहाँ पे देखिए, अभी ये जो भले ही 2009 की स्कोडा सुपर्ब हो, लेकिन इसका जो DSG है, यहाँ पे देखिए, अभी मैं एक बार है ना आपको ये दिखाता हूँ, लेकिन इसका जो DSG है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तुरंत कार पीछे फेंकती है, और पिकअप आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, पिकअप क्या ही ज़बरदस्त है। अंधेरा होने की वजह से कुछ ज़्यादा भगाने का मन नहीं हो रहा है, डर लग रहा है क्योंकि कार का पिकअप ही इतना जबरदस्त है। ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको भगा के दिखाता हूँ। और क्या है कि अभी 4 से 5 महीने के बाद ये कार ऑन की है, सो उसकी वजह से भी डर लग रहा है। और यहाँ पे अभी आप ये बाहर जो लाइट्स जो है वो भी आप एक बार देख सकते हो। ये देखिए, जो स्ट्रीट के ऊपर जो ये LEDs लगाए हुए है वो भी आप देख सकते हो। आपको एक रफ अंदाजा आएगा अगर मैं कार की हेडलाइट जो है वो मैं बंद कर दूंगा तो। एक बार ये देखिए, ये मैंने कार के हेडलाइट बंद कर दिए हैं, तो आप ये जो लाइट्स है वो देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं। ये देखिए, और ये हम महाराष्ट्र नासिक देवलाली कैंप में कार ड्राइव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मस्त जगह है। गाड़ी चलने में बहुत ही ज़बरदस्त है और एवरेज भी आप देख सकते हो, स्कोडा सुपर है तो एवरेज की इसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो गाइस। 6.5 का एवरेज दे रही है, अगर ठीक से चलाओगे तो मेरे ख्याल से ये आपको सिटी के अंदर अराउंड 10-12 का एवरेज दे देगी, और हाईवे के ऊपर अराउंड 14-15 का एवरेज निकाल के देगी अगर ठीक से गाड़ी चलाए तो। लेकिन ऑब्वियसली स्कोडा सुपर है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कार है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड इसका गियर बॉक्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कार को कोई प्यार से चलाएगा। आगे से ले लेता हूँ, काम करता हूँ। हाँ मुझे पता है, यहाँ से टर्न ले लेता हूँ। और इसका जो DSG का जो ये गियर बॉक्स है वो भी बहुत मस्त है। अभी ये DB मैंने डाल दी। एक बार फिर से मैं आपको भगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका सिर्फ आप एक बार स्पीड देख लीजिए, क्या गोली की तरह छूट रही है गाड़ी।
100 तो यू टच हो जाती है, 100 तो इसके लिए मजा की है, यानी कि हाँ 100 का जो स्पीड है ये कार के लिए तो मजा की है गाइस, सच बताता हूँ आपको। अगर इसको मेरे हाथ पे दी जाए और समृद्धि हाईवे अगर दिया जाए तो मैं तो इसको 200 पार कर ही लूँ, क्योंकि मैंने आपको जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है उन्हें पता होगा कि क्योंकि मैंने मेरी जो वेंटो है उसे मैंने 190 के स्पीड पे कितनी बार टच कर दिया है। सो ये तो स्कोडा सुपर्ब है, डीजल है, 360 एनएम का टॉर्क है ये कार के अंदर, 2000 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ एक और एक चीज मुझे बताना था गाइस कि क्या दिक्कत होती है अगर आप एक 4 से 5 महीने के बाद अगर आप कोई भी कार ऑन करते हो, स्पेशली ऐसी कोई प्रीमियम कार हो तो यहाँ पे देखिए कार की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद में ऑब्वियसली ये जो कार है ये जहाँ पे खड़ी थी ये कंटिन्यूसली गाइडेंस में खड़ी थी वॉचमैन के, यानी कि ये गाड़ी कोई ऐसे मतलब रस्सी के ऊपर खड़ी नहीं थी, अंडर शेड खड़ी थी, पार्किंग में खड़ी थी, इसके ऊपर धूप वगैरह कुछ आती नहीं थी ज़्यादा, और बीच बीच में कभी कभी एक दो बार वॉश भी हो जाती थी, तो उसकी वजह से कार जो है ये अभी तक मेंटेन है। वही अगर ये कार रस्से के ऊपर खड़ी रहती है, अगर इसके अंदर कभी चूहे वगैरह आ जाते तो फिर गाड़ी दिक्कत ऑब्वियसली देती थी, लेकिन अभी ऐसा अफनो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए कल अगर मुझे टाइम मिला तो ये कार को मैं मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा और कार को स्कैन करके चेक करूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद होगा, अगर आपको ये वीडियो लगता है स्पूल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।